एक मिनट ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया है? कपड़े धोने जा रही हूँ। कपड़े धोने बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं जा रही हो। बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो, मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा ये सब, ये मेरा काम है। अब से तुम सिर्फ एक काम करोगी और वो होगा आराम और बच्चे का ख्याल। हाँ तो इस बच्चे का ख्याल रखती तो हूँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज मुझे यही तो है। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया कुछ ज्यादा हो गया, अभी तो आया ही नहीं। मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना? शायद। व्हाट? एक मिनट, अरे वापस बैठे, इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके कहाँ चली? इसका मतलब है कि वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो मुझे तो भूल जाओगी, है ना? इस दुनिया में मुझे शायद इस बच्चे की सबसे ज्यादा फिक्र है। क्यूट। और यास्मीन की भी बहुत फिक्र है मुझे। मुझे नहीं लगता कि वो हानिया के बगैर रह सकेगी। और शौकत भाई को कितनी फिक्र है अपने बच्चों की, ये तो गुड़िया की मौत से हमने अंदाजा लगा ही लिया है। और शौकत भाई के लिए हानिया सिर्फ पैसे खाने का एक और तरीका है, और कुछ नहीं। तो मैं शौकत को पैसे देकर हानिया को यहाँ ले आऊं? रुमान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यार मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पर, तुम समझती क्यों नहीं? तुम फैमिली हो मेरी, और यास्मीन भी। तुम लोगों के मसाइल मैं हल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा यार? शौकत भाई को सबक सिखाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उनको जो मुफ्त के पैसे खाने की आदत लग गई है ना, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो तो आए दिन यास्मीन को तंग करते रहेंगे। ये तो है। मुझे लगता है किसी चीज की जरूरत है। एक मिनट, तो मैं किस लिए हूँ? इधर दो मुझे ये। अब मेरी जिम्मेदारी, इनको मैं धुलवा दूंगा। और हाँ, भाई के पास अब तुमने नहीं जाना है। जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक मैं उनका ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट अभी तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ खुद। ये भी धुलवा दूंगा, फ्रूट्स भी लेकर आता हूँ। रोमान, इस दुनिया में मुझे भी सबसे ज्यादा अजीज यही बच्चा है। खाना ला रहा हूँ।